हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई विल होप यू फिट एंड फाइन। आई विल एक्सप्लेन यू पंजाबी पाठ पुस्तक सुनहरी बोली फिफ्थ ग्रेड लेसन नंबर 2 उच्चा बोलना बोलिए कहा जो के कहानी बलजिंदर सिंह मान दी लिखी हुई है बारे आप पढ़ांगे अते सिक्ख्या प्राप्त करांगे। हाँ जी, उच्चा बोलना बोलिए कहानी विच दस्या गया है कि आदमी की भुख जंगलों में मुकाई जा रही है, मतलब खत्म करी जा रही है। जिहड़े आदमी आ दरख्तों वढ़ी जा रहे हैं जिन्हां नाल जंगलों के जंगल खत्म हो रहे हैं, तो पंछियों का रहन बसेरा मतलब रहन लई थां है जिहड़ी वह आए दिन उन्हां लई मुश्किल हो रहा रहना। इन्हां वो कहिंदे भी इन्हां आदमी किवें समझाए भी इस तरह जंगल कट्टण नाल दरख कट्टण नाल जंगल खत्म हो रहे हैं, धरती तो मनुख जाति भी खत्म हो रही है। एक दिन जंगल के सारे जानवर बैठे भयभीत हुए गल्लां कर रहे सन, उन्होंने दरख्तों की कटाई की टक टक आवाज़ सुनाई दिंदी है। हुण उन्होंने चिंता खाई जा रही है कि छेती ही उन्होंने जंगलों की वारी आ जाएगी, वह भी कित्थे जाके रहणगे। एक खरगोश अपने बच्चे नूं पलोसदा होया अथरू बहा रहा सी, दूजे पासे डर दे मारे एक गिद्दड़ भी झाड़ी नाल लग के चिंता दे सागर विच डुब्बिया होया सी, मतलब अफसोस विच डुब्बिया होया सी। अजिहे होर कई जानवर भयभीत होए बैठे सन। निक्के जंगल विच एक छप्पड़ सी, उस विच मच्छियां डड्डू अते होर पानी वाले जानवर रहिंदे सन। हल्की जिही बरखा आई तो डड्डुआ ने टर टर नाल सारा जंगल सिर ते चुक लिया। उन्हां विचों एक सियाणा डड्डू समझाउंदिआं सियाणे डड्डू ने समझाउंदिआं कहा कि साथियों सानू उच्ची नहीं बोलना चाहिए, जे गलबात करनी है तो सानू आपस में ही सुनाई देनी चाहिए, इसका किसी नूं भी पता नहीं लगना चाहिए। जे किसी नूं साडी आवाज सुन गई वह इधर भी आ जाणगे। मतलब एक नौजवान डड्डू सी, उन्हें की सियाने डड्डू की गल नहीं मनी, तो उन्हें के आख्या आया बड़ा सियाणा किसी नूं साडी आवाज़ सुन जाएगी असी खुशी भी नहीं मना सकते। इस छप्पड़ का वह कहिंदा जिहड़ा नौजवान डड्डू सी हंकारिया होया कहिंदा मैं छप्पड़ का राजा हाँ, जो मर्जी करा मेरी मर्जी तैनू की। उस नौजवान ने बुढ़े डड्डू नूं आख्या, ठीक है। फिर बुढ़े डड्डू के देख बेटा सियाणा होण करके मैं यह जिम्मेवारी मेरी यह जिम्मेवारी बनती है कि नवी पनीरी नूं चंगी गल समझावां। जे तुसी यह गल नहीं समझनी तां अपना भला बुरा आप विचारो। इन्ना कह के वह पानी विच गुस्सी मार चला गया। वह नौजवान डड्डू तड़फड़े मारदा ते रौला पाउंदा अपने साथियों नाल होर उच्ची उच्ची टर टर करन लग पिया, क्योंकि वर्षा हो रही सी। वर्षा नाल जो छप्पड़ हुंदा पानी ना भर गया तो खुशी मना रहे सन। तुहानू पता डड्डुआं दी आवाज टर टर दी हुंदी, उह टर टर करन लगे हुए सन। यह आवाज़ उधरों एक बंगला लंघ रहा सी, ठीक। यह आवाज़ जो बंगले ते कन्नी पई तो उसने सीधी छप्पड़ वल नूं उडारी मार ली। वह भंगड़ा पाते हुए डड्डुआ वेख के बहुत खुश होया। मोटे ताजे डड्डुआ नूं वेख के उसके मूँह विच पानी आ गया, मतलब उहदा मूँह जी ललचा गया। उसने सब तो पहला ज़्यादा रौला पाण वाले डड्डू नूं छप्ट लिया। ज़्यादा रौला पाण वाले डड्डू कहड़ा सी, नौजवान डड्डू जिन्हें सियाने डड्डू की गल नहीं मनी सी। उस बार उस गब्बरू डड्डू के साथी सारे फिर उसने की बंगले ने ज़्यादा रौला पाण डड्डू नूं खा लिया तो चला गया। फिर जिहड़े उहदे नाल दे सारे गब्बरू साथी डड्डू सी वह सारे सोग विच डुब गए ते उसका मातम मतलब सोग जां अफसोस मनाउण लगे। उसके साथी सियाने की यह गल भुल गए कि कोई अजिहा काम नहीं करना चाहिए जिस नाल साडे आले दुआले वासियां नूं कोई परेशानी होवे। जिवें उन्होंने पहला खुशी नाल टर टर करके सारा आसमान सिर ते चुक लिया ते सियाने डड्डू की गल नहीं मनी, इस करके बंगला उत्थे आ गया। इस तरह ही वह फिर हुण जदों नौजवान डड्डू नूं बंगले ने खा लिया फिर उच्ची उच्ची रोण लग पे। एक बार फिर सारा जंगल उन्होंने सिर ते चुक लिया, ठीक है। इस छप्पड़ विच मच्छियां दी गिणती भी बहुत ज़्यादा सी, जंगल दे विचकार होण करके इत्थे कोई शिकारी भी नहीं सी आया। मतलब जिहड़ा छप्पड़ सी इह जंगल दे विचकार सी, इसदा किसे नूं पता नहीं सी शिकारियां नूं भी। पर डड्डुआं दे चींग चिघाड़े ने जंगल विच फिरदे शिकारियां नूं इस गल दा पता ला दित्ता कि इत्थे कोई छप्पड़ भी है। जदों उह उत्थे पुज्जे तां उहनां ने वेख्या पाणी नाल भरी इस छप्पड़ विच मच्छियां दा अथाह भंडार, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सारा खजाना।
मच्छियां उन्होंने मच्छियां नूं फड़न वाला शिकारियों ने फिर की किया, मच्छियां नूं फड़न वाला जाल पाने जाल छप्पड़ विच सुट लिया ते फिर जाल बाहर कढ़िया तां मच्छियां दे नाल नाल कुछ डड्डू भी जाल विच फस के बाहर आ गए। शिकारियों ने मच्छियां तां जाल विचों कढ़ के अपने बोरे विच पा लिया पर जदों डड्डू छप्पड़ विच छलांग मार लगे तां बंगलियां ने उन्हां नूं आ दबोचिया, मतलब दबोचिया मीनिंग हुंदा है फड़ लिया, ते बंगलियां ने आके उन्हां नूं फड़ लिया। उन्होंने एक डड्डू नूं भी ना छड्डिया, इस तरह उन्होंने डड्डुआ ने उच्ची बोलन करके अपनी जान गवा ली, मच्छियां दे भी दुश्मन बन गए। हाँ जी बच्चे, इस कहानी तो सानू की सिक्ख्या मिलती है? इस कहानी तो सानू सिक्ख्या मिलती है भी सानू जेड़ा भी कोई काम करना है सानू ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए, ना ही रौला पाना चाहिए है, सानू जेड़ा भी काम अपना आराम नाल हौली हौली ही करना चाहिए है। इस मतलब कोई भी गल करनी किसी वेल आराम ना सानू हौली ही करनी चाहिए है। जे किसी नू सुन जाए या पता लग जाए और थोड़े नाल उहदी लड़ाई भी हो सकती है। जिवें देखो डड्डुआ ने सारा मतलब खुशी मना रहे थे बरखा दे आउण दी बारिश दी, ते उन्होंने सारा जंगल अपने सिर ते चुक लिया, मतलब जिहड़े बाहर उड़दे बंगले आ जां शिकारी उन्होंने इस गल का पता लग गया। पता लगन करके की होया, फिर उन्हां दी अपनी जान ही चली गई ना। इसलिए सानू कोई भी काम अजिहा नहीं करना चाहिए जिस नाल साडी अपनी जान नू नुकसान होवे। हाँ जी बच्चों, सानू कहानी समझ लग गई है? हाँ जी बच्चों, मैं तुहानू असाइनमेंट नंबर 3 सेंड कीती सी जो कि चैप्टर नंबर 2 दी उच्चा बोलना बोलीए दी, ठीक है। हुण आपां पहला एमसीक्यूज करांगे। नंबर 1, हेठ लिखे प्रश्नां दे सही उत्तर चुन के उन्हां अगे टिक दा निशान लगाओ। ऊड़ा, जंगलां नूं कौण मुकाई जा रिहा सी? नंबर वरखा, आदमी दी भुक, टिड्डियां सुंडियां जां सियूं? हाँ जी, की आंसर कौण मुकाई जा रहा है? जानवरां, आदमी दी भुक ते आपां टिक लगावांगे। ऐड़ा, अपने बच्चों नूं पलोसदा होया कौन अथरू बहा रहा सी? गिद्दड़, डड्डू, खरगोश जां शेर? कौन बहा रहे सी? खरगोश, आप खरगोश ते टिक लगावांगे। हाँ जी, ईड़ी, झाड़ी नाल लग के चिंता दे सागर विच कौन डुब्या होया सी? शेर, घोड़ा, बल जां गिद्दड़? इत्थे की आऊगा आपां? गिद्दड़। आपां पढ़िया सी ना भी गिद्दड़ झाड़ी नाल लग के चिंता दे सागर विच डुब्या होया सी। सस्सा, छप्पड़ विच कौन कौन रहिंदे सन? बंगले, डड्डू अते मच्छियां, कछू जां खरगोश? कौन कौन रहिंदे सन? डड्डू अते मच्छियां। किस डड्डू ने अपने तो सियाने डड्डू दी गल नहीं मन्नी? नौजवान डड्डू ने, बुढ़े डड्डू ने, छोटे डड्डू ने जां जख्मी डड्डू ने? हाँ जी, कहे डड्डू ने गल नहीं मनी सी सियाने डड्डू दी? नौजवान डड्डू ते आपां टिक लगावांगे। कक्का, नौजवान डड्डू छप्पड़े मारदा उच्ची उच्ची की करन लग पिया? ची ची, टैरटर, बा 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 जां कू कू कू? की करन लगा सी? टैरटर ते आपां टिक लगावांगे। खक्खा, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਂ, ਬਟੇਰਾ, ਬਾਸ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਬੰਗਲਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਗਾ, ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਚਿੰਗ ਚਿੰਗਾੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਚਿੰਗ ਚਿੰਗਾੜਾ? ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਊੜਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਐੜਾ, ਨਿੱਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਛੱਪੜ। ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ? ਛੱਪੜ। ਈੜੀ, ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ? ਉੱਚਾ। ਸੱਸਾ, ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ, ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਹਾ, ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਉਹਦੇ ਸੋਗ। ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕੱਕਾ, ਇਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ? ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ। ਖੱਖਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ।
ਗੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਡੈਸ਼ ਯੋਗਾ ਡੱਡੂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੋਵਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੇ ਔਖਾ। ਨੰਬਰ ਥਰਡ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ। ਫੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਨੰਬਰ ਫਾਈਵ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਲਲਚਾ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਮ, ਮਾਤਮ ਮਤਲਬ ਸੋਗ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ। ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ। ਪੈਪੀਤ, ਡਰੇ ਹੋਏ। ਅਥਰੂ ਬਹਾਣੇ, ਰੋਣਾ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਕੰਨੀ ਪਈ, ਸੁਣੀ। ਸੋਗ, ਅਫਸੋਸ। ਚੀਂਗ ਚਿੰਗਾੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਦਬੋਚਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਟਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਆਂਸਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਨਿੱਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਆਂਸਰ, ਨਿੱਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ, ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਥਰਡ, ਸਿਆਣੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਆਂਸਰ, ਸਿਆਣੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਗਈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਫੋਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਡੱਡੂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਂਸਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਡੱਡੂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡੱਡੂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਫਾਈਵ, ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਟਰ ਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੀ ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਝਪਟ ਲਿਆ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਸਿਕਸ, ਨੌਜਵਾਨ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਵੱਲੋਂ ਝਪਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਆਂਸਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਵੱਲੋਂ ਝਪਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਡੱਡੂ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਤ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਆਣੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦਾ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਣ ਨੌਜਵਾਨ ਡੱਡੂ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਵਨ,
शिकारी की सुन के छप्पड़ वल आ गए ते उन्होंने की किया। आंसर, शिकारियों नू डड्डू दे चिंग चिंगाड़िया ने इस गल का पता लगा दिता कि इत्थे कोई छप्पड़ भी है। जदों ओह छप्पड़ वल गए तो उन्होंने वेख्या कि छप्पड़ विच बहुत ज़्यादा मच्छियां सन। उन्होंने मच्छियां फड़न वाला जाल छप्पड़ विच सुटिया। क्वेश्चन नंबर 8, डड्डुआ ने अपनी जान किवें बचाई। आंसर, डड्डुआ ने उच्ची उच्ची बोल के अपनी जान तो गवाई ही बल्कि मच्छियां दे भी दुश्मन बन गए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर समझ लग गई थोनू। हुण आपां वाकां विच वरतों करदे हां। फर्स्ट है जंगल, जंगल विच बहुत सारे जानवर रहिंदे सन। नंबर 2 सियाणा, बजुर्ग डड्डू बहुत सियाणा सी। नंबर 3 रौला पाउणा, डड्डुआ ने रौला पा के सारा जंगल सिर ते चुक लिया। नंबर 4 मूँह विच पानी आउणा, डड्डुआ नू वेख के बंगले दे मूँह विच पानी आ गया। नंबर 5 मातम, मातम मतलब सोग जां अफसोस। सारे डड्डू मातम मनाउण लगे। नंबर 6 भंडार, भंडार मतलब खजाना। छप्पड़ां विच मच्छियां दा अथाह भंडार सी। 7 जाल, शिकारियां ने मच्छियां फड़न वाला जाल छप्पड़ विच सुट लिया। नंबर 8 दुश्मन, दुश्मन मतलब बैरी। डड्डू मच्छियां दे भी दुश्मन बन गए। हाँ जी बच्चो, थोनू लैसन समझ लग गया सारिआं नूं इह? ठीक है, ये तुहानू स्टोरी भी पूरी समझाती है। ठीक है, हुण तुसीं इहनां क्वेश्चन आंसर ते बाकी वर्ड मीनिंग सारा तुसीं लर्न करना है ते फिर थोड़ा टैसट भी होना है। ठीक है, इहदी प्रॉपर तैयारी कर लियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।